Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. This is your science class and we are reading lesson number 5, Food, Health and Hygiene. Today, our topic is about disease and it's on page number 50. So you all open your science books and we will start our today's topic. Okay? तो हमने इस लेसन में अब तक पढ़ा न्यूट्रिएंट्स के बारे में और फिर पढ़ा कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. आज हमें जो पढ़ना है डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ यानी बीमारियां. तो हम शुरू करें अपना टॉपिक. वर्ड डिजीज़, बीमारी का जो लफ्ज़ है, ये दो वर्ड से बना है, दो लफ्ज़ों से बना है. एक तो डिस, दूसरा ईज़, जिसका मतलब है नॉट कंफर्टेबल. यानी इंसान को जब ये बीमारी हो जाती है तो वो अच्छा महसूस नहीं करता है, उससे कुछ अच्छा नहीं लगता है. ये वो कंडीशन होती है बॉडी की जिसमें बॉडी का कोई पार्ट या पूरा जिस्म जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है. समझ आया मेरा जिगर? यानी जो बीमारी है ये हमारे जिस्म की वो हालत है जिसमें हमारी बॉडी का कोई हिस्सा या हमारी पूरी बॉडी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है. आमतौर पर बीमारियां जो है इनकी दो टाइप्स है, एक तो है नॉन कम्युनिकेबल और दूसरी है कम्युनिकेबल. नॉन कम्युनिकेबल वो बीमारियां हैं जो फैलती नहीं है, यानी एक से दूसरे को नहीं लग पाती है. दूसरी है कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिजीज वो बीमारियां होती है जो एक मरीज से, एक बीमार से एक हेल्दी इंसान को लग सकती है. यानी अगर वो उसके टच में आ जाता है तो वो बीमारी उसको भी लग सकती है. तो बेटा कितनी टाइप्स है डिजीज की? टू टाइप्स, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल. नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे को नहीं फैलती है, एक दूसरे से नहीं लग जाती है, यानी वो फैलती नहीं है. दूसरी है कम्युनिकेबल जो एक हेल्दी इंसान को भी लग सकती है अगर वो किसी बीमार के कंटेक्ट में आ जाता है. आज हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी वो बीमारियां जो एक दूसरे को नहीं लगती है. यानी यमन लागदार बीमारी आसा क्या? बीमारियां जो पास नहीं होती है एक इंसान से दूसरे इंसान को, उनको कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल या नॉन कंटेजियस डिजीज. समझ आया आपको बेटा? यानी वो बीमारियां जो पास नहीं होती है एक इंसान से दूसरे इंसान को, ट्रांसफर नहीं होती है, उनको क्या कहा जाता है? नॉन कम्युनिकेबल या कहा जाता है नॉन कंटेजियस डिजीज. समझ आया? कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो हो सकती है न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से. अगर हमारे डाइट में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो, कमी हो, तो उससे बीमारियां हो जाती है. जो बीमारियां डेफिशिएंसी से हो जाती है उनको कहा जाता है माल न्यूट्रिशन या कहा जाता है डेफिशिएंसी डिजीज. कौन सी डिजीज? यानी जो हमारे फूड में किसी न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी से, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाए तो उनको कहा जाता है डेफिशिएंसी डिजीज, और इस कंडीशन को कहा जाता है माल न्यूट्रिशन. समझ रहे हो बेटा? कुछ डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो आपके बुक के पेज नंबर 52 पे मेंशन की गई है. जो टेबल दिया गया है उसमें वो बीमारियां मेंशन की गई है. डेफिशिएंसी डिजीज जो है उनका इलाज हो सकता है जब हम उस पेशेंट को, उस बीमार को वो न्यूट्रिएंट दे जिसमें वो डेफिशिएंट है. यानी जिस चीज की उस पेशेंट को, उस बीमार को कमी है, अगर हम वो न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड करें तो वो बीमारी उसे ठीक हो सकती है. कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस से भी हो सकती है. जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल हो, नुकसानदेह हो, तो उनसे भी कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है. जैसे कि गाड़ियों और फैक्ट्रियों से, कारखानों से जो धुआं निकलता है उससे बीमारियां हो जाती है हमारे लंग्स की, फेफड़ों की, या हमारे हार्ट रिलेटेड कुछ बीमारियां हो जाती है.
इसी तरह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कुछ हमारे बुरे आदत से भी हो सकती है। अगर हमारे में कुछ बैड हैबिट्स हों तो उनसे भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, जैसे कि स्मोकिंग, कोई सिगरेट पीता है या कोई भी नशा करता है तो उससे भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। स्मोकिंग जो है यानी सिगरेट नोशी जो है एक अहम कॉज है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है या खून से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। तो ये था आज आपका टॉपिक जिसमें आपने पढ़ा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, यानी वो बीमारियां जो एक दूसरे से दूसरे इंसान को पास नहीं होती है, यानी एक बीमार से दूसरे हेल्दी इंसान को पास नहीं होती है, उनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या बोलते हैं नॉन कंटेजियस डिजीज। इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनकी आप स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करोगे। तो अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। डिजीज, द वर्ड डिजीज कंप्राइज टू वर्ड्स दिस एंड ईज मीन नॉट कम्फर्टेबल। इट इज अ कंडीशन इन विच सम बॉडी पार्ट और द होल बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली। जनरली डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दैट कैनॉट बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कंटेजियस डिजीज। Some of the non-communicable diseases can be due to deficiency of nutrients in our food. The disease due to lack of nutrients or malnutrition are called deficiency disease. Some deficiency diseases are mentioned on the table on page 52. Deficiency disease can be cured by providing the nutrient in which the patient is deficient. Some non-communicable diseases are caused by harmful substances present in the environment. For example, fumes from cars and factories can cause disease of the lungs and heart. Non-communicable diseases can also be caused by bad habits such as smoking. Smoking is a major cause of heart and blood disease. Okay, this is all for today. Allah Hafiz.